चौबीस क्वेश्चन में हमें कहा गया है वी आर गिवन दिस कंपाउंड इसमें तीन सी एच बॉन्ड्स की बात करी गई है दिस सी एच बॉन्ड एक्स दिस सी एच बॉन्ड वाई दिस सी एच बॉन्ड जेड हमें कहा गया है इन तीन सी एच बॉन्ड्स को अरेंज करो इन डिक्रीजिंग बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इन होमोलिसिस या लेट अस से होमोलिटिक क्लीवेज मतलब पहली चीज हमें कहा गया है कि ये जो सी एच बॉन्ड इसे कैसे डिसोसिएट करना है इसका होमोलिटिक क्लीवेज करना है फाइन जिससे हमारा क्या जनरेट हो रहा होता है गाइस फ्री रेडिकल तो हमें कहा गया है कि हमें बॉन्ड को ऐसे तोड़ना है है सो दैट फ्री रेडिकल इज जनरेटेड और पूछा क्वेश्चन के अंदर कि बॉन्ड को कौन से सी एच बॉन्ड को तोड़ना आसान है कौन से को तोड़ना मुश्किल है जो आसान होगा उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी लो होगी भाई बॉन्ड तोड़ना आसान है तो एनर्जी रिक्वायर्ड विल बी लेस बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल होगा उसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड इज गोइंग टू बी मोर राइट अब देखते हैं हाउ टू आइडेंटिफाई किस में एनर्जी ज्यादा लगेगी किसमें एनर्जी कम लगेगी एक काम करते हैं बॉन्ड तोड़ देते हैं तोड़ने के बाद जो फ्री एडिकल बन रहा है ना उसकी स्टेबिलिटी देख लेते हैं ऑब्वियस ये बात है कि अगर तुम्हारा फ्री एडिकल स्टेबल है मतलब एक तरीके से फ्री एडिकल तो प्राउड साइड में हो गया ना फ्री रेडिकल जो बना आफ्टर डिसोसिएशन ऑफ सी एच बॉन्ड अगर वो फ्री रेडिकल स्टेबल है इसका मतलब वो सी एच बॉन्ड रिएक्टेंट में जो था दैट टू बी ब्रोकन क्योंकि तुम्हारा प्रोडक्ट स्टेबल है प्रोडक्ट बनना चाह रहा है मतलब तुम्हारे जो सी एच बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी लगेगी वो क्या लगेगी बच्चों कम बॉन्ड तोड़ना आसान होगा समझोगाइज फिर से बोल रहा हूं मैं अगर फ्री रेडिकल तुम्हारा स्टेबल बन रहा है इसका मतलब वो सी एच बॉन्ड रिएक्टेंट में तोड़ना चाह रहा था इट वॉन्टेड टू बी ब्रोकन या हम ये भी कह सकते हैं उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड थी दैट वॉज लेस समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई ऐसे ही अगर कोई सी एच बॉन्ड टूटने के बाद फ्री आइडिकल जो बन रहा है वो अनस्टेबल मतलब वो फ्री आइडिकल नहीं बनना चाह रहा इट इज नॉट दैट स्टेबल अगर वो स्टेबल नहीं होगा इसका मतलब तुम्हारा वो सी एच बॉन्ड को तोड़ना इज डिफिकल्ट प्रॉर तुम्हारा स्टेबल नहीं है हाँ या ना और अगर डिफिकल्ट है इसका मतलब उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज गोइंग तो टू बी हाई गाइस ये चीज क्लियर हो गई तो अब हमें बस कुछ नहीं करना है वी हैव टू कंपेयर द फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी आफ्टर डिसोसिएशन ऑफ सी एच बॉन्ड इस सी एच बॉन्ड को तोड़ा ये फ्री रेडिकल तुम्हारा बन रहा है वो भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम पे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों ये तो हाईली अनस्टेबल हो जाएगा आर यू गेटिंग दिस फ्री आइडिकल तुम बना रहे हो ऑन असपीड कार्बन आइटम दैट इज गे फ्री आइडिकल बनाया यह वो यहां से resonance stabilized हो गया, और हाइपर कॉन्जुकेटिंग स्ट्रक्चर भी आ रहे होंगे कितने बच्चों दो तो ये जो है सबसे राइट वाला था इसमें देर वॉज नो स्टेबिलिटी ये वाला हमने तोड़ा बीच वाला इसमें रेजोडेंस भीज वेल अब आते हैं X पे ये वाला बॉन्ड अगर तुम तोड़ोगे और फ्री रेडिकल यहां पे बनाओगे तो इसमें सिर्फ हाइपर कॉन्जुकेशन से स्टेबलाइजेशन होगी यहां के दो यहां के दो यूल टोटल फोर हाइपर कॉन्जुकेटिंग स्ट्रक्चर अब तुम्हें बताया रेजोनेंस इज मोर स्टेबलाइजिंग देन देन हाइपर हाइपर एंड इज इंडक्टिव जिसकी हम जवाब बात कर नहीं रहे ठीक है ना बच्चों आइडिया बींग तुम यहां से देख पा रहे हो कि जो फ्री रेडिकल आफ्टर डिसोसिएशन ऑफ वाई सी एच बॉन्ड वाई सी एच बॉन्ड को तोड़ने का जो फ्री एडिकल बनाबल मतलब वाई बॉन्ड को ब्रेक करना इज को तो तोड़ना सबसे आसान है क्योंकि वाई को टूटने के बाद जो फ्री एडिकल बना वो तुम्हारा सबसे ज्यादा स्टेबल था सबसे ज्यादा स्टेबल है तो तोड़ना आसान है तो बॉन्ड एसोसिएशन गोइंग टू बी लिस्ट उससे ज्यादा किसमें लगेगी एक्स में एक्स में. में क्यों ज्यादा लगेगी

गेट ये हमारा हमने अरेंज कर दिया इन डिक्रीजिंग बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी जी वाई में सबसे ज्यादा एनर्जी लगेगी सॉरी जेड में सबसे ज्यादा एनर्जी लगेगी और वाई में मिनिमम एनर्जी लगेगी बच्चों ओके okay?